माय सिटी माय लाइफ यूट्यूब चैनल की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम गढ़वा जिले के बारे में चर्चा करेंगे। गढ़वा जिला भारतीय राज्य झारखंड के 24 जिलों में से एक है। यह पलामू डिवीजन के अंतर्गत आता है। जिले की स्थापना 1 अप्रैल 1991 को की गई थी। इसे पलामू जिला से अलग कर एक नया जिला बनाया गया था। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो यह 4044 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। जिला गढ़वा, उत्तर में सोन नदी, पूर्व में पलामू जिला, दक्षिण में छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा जिला और पश्चिम में उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिलों के साथ बिहार राज्य के कैमूर और रोहतास जिलों से अपनी सीमाओं को साझा करता है। गढ़वा जिले को 3 सब डिवीजन यानी कि गढ़वा, सिरबंसी, धरनगर और रंका में बांटा गया है, जो आगे 20 ब्लॉक, 156 ग्राम पंचायत और 916 गांव में बटे हैं। जिले के निर्माण के समय जिले में केवल 8 ब्लॉक शामिल थे, जैसे कि भंडरिया, भवनाथपुर, धुरकी, गढ़वा, मछियाँ, मिराल, नगर उटारी और रंका। बाद में 11 और ब्लॉक बनाए गए, जैसे कि चिन्याली, डंडई, कांडी, खरौंदी, रामकंडा, रमुना, सगमा, बड्डिया, डंडा, बिशुनपुर, केतार और बरघर। गढ़वा जिला ज़्यादातर जंगलों से घिरा हुआ है और जिले में केवल एक बड़ा शहर है गढ़वा। अगर हम निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में बात करें तो गढ़वा जिला में 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, गढ़वा और भवनाथपुर। दोनों पलामू लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगर हम जनसंख्या की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार गढ़वा जिले की जनसंख्या करीब 13,22,387 थी। गढ़वा जिले में हर 1,000 पुरुषों पर 933 महिलाओं का लिंग अनुपात है। जिले में बोली जाने वाली भाषा है हिंदी, मगही, भोजपुरी, सादरी और उर्दू। अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो जिले की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। जिले में चावल, मक्का, गेहूं, गन्ना, तिलहन, दलहन और सब्जियाँ उगाई जाती हैं। जिला गढ़वा खनिज में समृद्ध है। डोलोमाइट और चूना पत्थर जिले में कई स्थानों पर पाए जाते हैं। भवनाथपुर और नगर उटारी ब्लॉक के आसपास के क्षेत्रों में डोलोमाइट और चूना पत्थर पाए जाते हैं। भंडरिया प्रखंड में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। जिले में ग्रेफाइट, चाइना क्ले और ग्रेनाइट के भंडार भी उपलब्ध हैं। अगर हम शिक्षा की बात करें तो जिले की साक्षरता दर 62.18% है। शांति निवास हाई स्कूल, ज्ञान निकेतन कॉन्वेंट स्कूल, जवाहर नवोदय विद्यालय, आर के पब्लिक स्कूल, डीई पब्लिक स्कूल भवनाथपुर, केंद्रीय विद्यालय एसपीडी कॉलेज गढ़वा, गढ़वा पॉलिटेक्निक कॉलेज, नामधारी कॉलेज, कृषि कॉलेज गढ़वा, वनांचल डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल इत्यादि जिले के कुछ बेहतरीन एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं। अगर हम आकर्षण केंद्रों के बारे में बात करें तो भगवती टेम्पल, गुंगा झांझ वाटरफॉल्स, सुखलदरी वाटरफॉल्स, हिसातू वाटरफॉल, बंसीधर टेम्पल, राजा पहाड़ी शिव मंदिर, श्री सतबहिनी झरना, श्री सतबहिनी मंदिर, केतार मंदिर और मंडल डैम इत्यादि जिले के कुछ प्रसिद्ध आकर्षण के केंद्र हैं। अगर हम यातायात की बात करें तो जिला गढ़वा सड़क और रेलवे के माध्यम से देश के प्रमुख शहरों से काफ़ी अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। रांची और झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के प्रमुख जिलों से दैनिक बस सेवाएं उपलब्ध हैं। जिले का निकटतम हवाई अड्डा रांची का बिरसा मुंडा हवाई अड्डा है, जो गढ़वा से लगभग 212 किलोमीटर की दूरी पर है।